हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। आज मैं बात करूंगा अस्थमा के पेशेंट को कब मानते हैं, अगर उसका सिम्टम एग्जासर्बेट कर रहा है तो कब मानेंगे कि सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा है। तो सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा का सिम्टम क्या क्या है ताकि पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जा सके। तो सबसे पहला सिम्टम है इनएबिलिटी टू कम्प्लीट द सेंटेंस। पेशेंट एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में 2 से 3 बार सांस लेता है, एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है। सेकंड है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शसनेस। पेशेंट का कॉन्शसनेस और ओरिएंटेशन लॉस हो जाता है, टैकिकार्डिया होता है और टैकिपनिया होता है, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन मोर देन 30 पर मिनट हो जाए और रेट ऑफ हार्ट रेट मोर देन 110 पर मिनट हो जाता हो। ऑस्कल्टेशन पे अगर आला से चेस्ट को देखते हैं तो उसमें साइलेंट चेस्ट मिलता है। एग्जामिनेशन पे साइनोसिस मिलता है, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा और टंग। स्क्लेरा को आई के नीचे, आई का जो स्क्लेरा होता है उसको एग्जामिन करते हैं और टंग, टिप ऑफ द टंग देखते हैं, उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन आने लगता है, इसका मतलब वो साइनोस्ड है, इसका मतलब सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा है। रेस्पिरेटरी मसल फटी हो जाता है और जो इंटरकोस्टल मसल का इंड्रॉइंग हो जाता है, इनवर्ड इंड्रॉइंग दिखेगा उसमें। सीवियर अस्थमा के पेशेंट को PEFR देखते हैं लेस देन 30% ऑफ प्रेडिक्टेड हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर देखते हैं, मेजर करते हैं तो लेस देन 60 mm ऑफ मर्करी होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी नॉर्मल से रेस्ड हो जाता है। इस तरह के पेशेंट को सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा कहते हैं और सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा में पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए और आईसीयू में एडमिट करके उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।